हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिएट चैनल और आज की शुरुआत करने वाले आईपीएल 2024 के मैच नंबर 10 की जो कि खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। मैच एम चिन्ना स्वामी में खेला जाएगा, तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा फन 88 के बारे में। इस आईपीएल में अगर आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज की मदद से पैसे जीतना चाहते हो आसान से प्रेडिक्शन करके, तो फन 88 आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एक्सचेंज देखने को मिलता है जहाँ पे आप लिया बैक कर सकते हो। साथ में आप मैच कौन सी टीम जीतेगी ये तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। उसके अलावा मैच में कितने रन बनेंगे, टॉस कौन जीतेगा, 10 ओवर में कितने रन बनेंगे, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 15 ओवर में कितने रन बनेंगे, ये सब प्रेडिक्शंस करके पैसा जीत सकते हो। इसके अलावा आपको बता दो यहाँ पे आप फोनपे पेटीएम यूपीआई से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉल भी यहाँ पे बड़ा आसान है, डिस्क्रिप्शन में देख लिंक से अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको पहला डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो हम जो पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ, केकेआर ने अभी तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है, उसे ये जीते थे, एसआरएच के खिलाफ मुकाबला खेला था, हाई स्कोरिंग मैच रहा था, आंड्रे रसल ने बहुत तूफानी बैटिंग की थी। रसल के अलावा फिल साल्टर ने भी 50 लगाई थी और इसके अलावा रमनदीप सिंह ने भी बढ़िया पारी खेली थी, पर रसल की पारी मैच चेंजिंग साबित हुई थी, रसल मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। हालांकि केकेआर ने टारगेट तो बहुत बड़ा सेट किया था पर उसे डिफेंड करते हुए इनके बॉलर्स की भी हालत पतली हो गई थी। रसल को जरूर 2 विकेट मिले थे, हर्षित राणा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, उन्हें 3 विकेट मिले थे और नारायण इकोनॉमिकल भी रहे थे, उन्होंने 1 विकेट भी निकाला था, पर उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती 50 के ऊपर गए थे, सिर्फ 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे थे। और इस सीजन की सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन में जो बाय रहे थे मिचेल स्टार्क, 53 रन उन्होंने 4 ओवर में दिए थे, 53 रन दिए थे और विकेट भी कोई नहीं निकाल पाए थे, तो उनकी शुरुआत टूर्नामेंट की मिचेल स्टार्क की पर्सनल पर काफ़ी बुरी रही थी। बात की जाए इनके अपोनेंट्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो टूर्नामेंट के पहले मैच में हार का सामना करने के बाद दूसरे मैच में अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी ने पंजाब के खिलाफ जीत पाई थी। बॉलिंग में यश दयाल को 1 विकेट मिला था, मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, उन्हें 2 विकेट मिले थे, अलजारी जोसेफ को भी 1 विकेट मिला था और मैक्सवेल ने भी 2 विकेट निकाले थे। टारगेट चेस करते हुए आरसीबी के विकेट जरूर लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर गिर रहे थे, पर एक तरफ से विराट कोहली चोर संभाले हुए थे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कोहली ने बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच भी विराट कोहली ही रहे थे, पर कोहली का विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से दिनेश कार्तिक और महिपाल नोमरो ने मैच फिनिश किया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। कोहली का विकेट गिरने के बाद हो सकता था कि मैच पलटे और पंजाब लग रहा था मैच में कमबैक कर सकती है, पर उसके बाद फिनिश आए दिनेश कार्तिक और उनके साथ महिपाल नोमरो, दोनों ने बहुत बढ़िया पारी खेली और उसके अलावा एंड में तो वैसे काफ़ी कंफर्टेबल भी आरसीबी ने टारगेट चेस कर ही लिया था। मैच वैसे आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्ना स्वामी में खेला जाएगा, इस सीजन वैसे लगभग होम ग्राउंड एडवांटेज बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लगभग सारे ही मैचेस होम टीम ने जीते हैं। इस मैच में चलकर पिच हाई स्कोरिंग रहेगी, चिन्ना स्वामी की पिच वैसे भी जनरली हाई स्कोरिंग रहती है, छोटा ग्राउंड है तो रन काफ़ी बनते हैं, और ओवरऑल भी आप इस सीजन नोट कर रहे होंगे कि लगभग सारे ही ग्राउंड हाई स्कोरिंग रहे हैं, हमें ज़्यादातर हाई स्कोरिंग मैचेस ही देखने को मिले हैं। टॉस जीतकर चिन्ना स्वामी में टारगेट चेस करना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। आरसीबी ने भी पिछला मैच जो पीबीएस के खिलाफ इस सीजन यहाँ पे खेला था उसमें भी टारगेट चेस करके जीते थे, तो ऐसे में इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। मैच प्रिडिक्शन मुझे लग रहा है केकेआर शायद होम ग्राउंड एडवांटेज आरसीबी की तरफ होने के बावजूद मैच में बाजी मारेगा, मेरा मैच प्रिडिक्शन रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।